एंड अ फ्लैशबैक। गर्मी जो अभी खाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसकी। तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। संसद के सेंट्रल हॉल की पहली कतार में बैठे सीएम योगी पर जब भी कैमरे की नजर पड़ी, उनके चेहरे से मुस्कान गायब थी। भाव ऐसे थे जिस पर खबरें बनने लगी। कहा जाने लगा कि योगी यूपी में हुई हार के गम में डूबे हुए हैं। बुलडोजर का तेल निकला, रबर का तेल निकला, देखिए क्या हाल हुआ बुलडोजर का। प्रभु श्री राम का जितना नाम लेंगे उतनी सीटें हराम तुम्हारा है। हराम पूरे देश का। नरेंद्र मोदी जाए राम मंदिर, अब तो मालूम है राम का नारा ही बंद कर दी मोदी जी। नरेंद्र मोदी चाणक्य, चाणक्य तो सातवीं आठवीं कुर्सी में ऐसे होते हैं। ये राम को ला सकते हैं तो राम इन्हें क्यों नहीं लाए। बात तो सही है। मिशन बिजुबार गया, मोदी जी क्या खड़े हुए यार, इसे कह दे कुर्सी कट्टा। अब आपने इसका मजा लेना चाहिए, आनंद लीजिए। एंड अ फ्लैशबैक। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। चंद्रा बाबू नायडू के मैनिफेस्टो में अकॉर्डिंग टू मोदी जी ये छाप नहीं है, ये पूरा सेक्शन है। देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और देखते रहिए। महामानव दिन में 10 बार अगर किसी से मिलते थे तो 10 बार कपड़े बदलते थे, लेकिन हार के बाद पूरा दिन हरी सदरी पहने रहे। किस रंग की? हरे रंग की, वो भी पूरा दिन। ठीक है, जो महामानव अपनी माला में दूसरों को घुसने नहीं देते थे उनको एक ही गुलदस्ता बार बार चिपकाया जा रहा था। मेरे प्रधानमंत्री झोपड़ी में थे, उनके माँ बाप ने अपने जन्म में नहीं सोचा होगा उनका बेटा प्रधानमंत्री तो दूर मुख्यमंत्री भी बनेगा। कमाया है कुछ से, अपने शौर्य से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से कमाया है, किसी परिवार की विरासत से के कमाया नहीं है। जैसे दो इडियट का घूम रहे हैं, थ्री इडियट वाली बात करी है, बिल्कुल सही कहा। रणछोड़ दास चांचड़ ने ऐसी तैसी कर दी थी वो साइरस की और उसकी कौन कौन थे, याद रखना इस बात। मोदी का जलवा खत्म, 400 का हलवा हजम। मोदी और शाह ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। कैसा? अभी बता दे। मैं पिछले 5 सालों से बता रही हूँ कि मोदी और शाह हिंदू मुसलमान करके अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं पिछले 5 सालों से कह रही हूँ कि धर्म के नाम पर भड़काना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि जुलूस निकालिए लेकिन मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लगाना ठीक नहीं है। मैं पिछले 5 साल से बात कह रही हूँ कि तुम्हारी औकात राम को लाने की नहीं है। मैं पिछले 5 साल से ये कह रही हूँ कि भैया नौकरी रोजगार पर बात करो। मैं पिछले 5 साल से कह रही हूँ कि चीन को क्लीन चिट देना बंद करो, लेकिन इतने सालों में मोदी को लगता रहा कि प्रज्ञा मिश्रा तो सरकार विरोधी पत्रकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। सल्यूट है आपको, मैं कहता हूँ सल्यूट है आपको। जैसे कि हम सब देख सकते हैं पूरा आजमगढ़ भगवा में हो गया है और सब जगह कमल का फूल दिख रहा है, पूरे आजमगढ़ में कमल खिल रहा है, बस इसी बात की खुशी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ, कलंक से पानी आ गया। कि हिंदुत्व के मुद्दे पर अब हिंदुस्तान में चुनाव नहीं जीते जा सकते और ये बात बीजेपी को अब समझ लेनी चाहिए। आपने बोला था 5 काम मोदी जी के चुनाव के लिए, ठीक है, अभी 15 एम्स बना है। नाम बताइए 15 एम्स का, कहाँ कहाँ बना है, बता रहा है आपको। अच्छा, लिख के रखे हुए नहीं दिखा रहे, आपको दिखाई ना। नहीं, हम 15 एम्स का डाटा मांग रहे हैं, कहाँ कहाँ 15 एम्स बना है ये तो बताइए। पूरे इंडिया में बना, कहाँ कहाँ बना है, 4 जगहों का नाम बता दीजिए, हम 15 जगह का नाम लिख देंगे। हम आपसे नहीं पूछेंगे, हम आपसे 15 जगह का एम्स नहीं पूछेंगे, हम 5 जगह का एम्स बोलिए। आप 5 काम में गिनवाए ना कि एम्स बना, IIT बना है, बता रहे हैं आपको कहाँ कहाँ है। 15 जगह IIT नहीं, 15 जगह एम्स का, मैं आप 5 जगह एम्स बताइए। एम्स का भी हम सब नहीं, कुछ नहीं होने लगा बाल में। फोन में खोजते रहेंगे, यही है बच्चों का रियलिटी, ढूंढते रहते हैं फोन पे, कुछ नहीं मिलता है। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। ये देखिए, 2 बच्चों की मार्कशीट है, एक बच्चा जो 589 नंबर लाता है उसका ऑल इंडिया रैंक है 43,514 और दूसरा जो कि उससे 29 नंबर ज्यादा लाता है 618 उसका ऑल इंडिया रैंक क्या है 61,014, उससे करीब करीब आप समझिए कि नहीं भी तो 17-18,000 रैंक नीचे। कैसे भाई, कैसे, इसका क्या लॉजिक है, क्या NTA को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ, ये चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा NDA में लेगी। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए।
दिए बंद हो चुके हैं। बार बार आप दरवाजा बंद करते हैं लेकिन अंदर से खुंडी काहे नहीं लगाते हैं। भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा वो चचा डिसाइड करेंगे। अब ये चचा वो चचा नहीं रहे, अब चचा को चाहिए फुल इज्जत। चचा अगर इधर लुढ़क गए तो कमल मुरझा जाएगा और इधर लुढ़क गए तो कमल खिल जाएगा। चचा मोहल्ले की ऐसी मासूका है जिनकी अब प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है। पहले कोई भाव नहीं देता था, अब पूरा मोहल्ला इनका नंबर मांगते घूम रहा है कि हमें अपना नंबर दे दो, हमें अपना नंबर दे दो। निष्कर्ष ये निकला है कि कभी जीवन में निराश नहीं होना है, कभी भी जिंदगी नीतीश कुमार हो सकती है। कब तुम्हारे भाव बढ़ जाए पता ही नहीं पड़ेगा। चचा संभालना, पूरा देश अब आपके हाथ में है। सही लुढ़कना। स्पेन नाम का एक देश है दुनिया में, वहाँ की जनसंख्या हमारी तुलना में 10 गुनी बढ़ गई 50 साल में, लेकिन स्पेन दुनिया का सबसे अमीर देश है इस समय, क्योंकि वहाँ करप्शन नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, घूसखोरी नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है। वहाँ के नेता लूट नहीं सकते क्योंकि वहाँ बहुत सख्त कानून है, इसलिए वहाँ अमीरी बढ़ रही है। तो भारत में लूटखोरी है, रिश्वतखोरी है, हरामखोरी है, इसलिए यहाँ गरीबी बढ़ रही है। और जनसंख्या बढ़ने की बात अगर सच होती तो और एक उदाहरण देता हूँ, 3.5 गुनी जनसंख्या बढ़ी तो गरीबी भी 3.5 गुनी बढ़नी चाहिए। तो हम उस समय 4.5 करोड़ थे, अब 15 करोड़ हो जाने चाहिए थे गरीब, 84 करोड़ कहाँ से हो गए? इसका जवाब नहीं है नेताओं के पास। ये इसलिए हो गए कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल लूट लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।